भाई सर चुप क्यों रहे? शहीद नासिर जुनेब के केस में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो लोग शहीद नासिर जुनेब के लिए आवाज को बुलंद कर रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हीं लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। और जो पत्रकार खुल करके शहीद नासिर जुनेब के इंसाफ की मांग कर रहे थे, उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किसी और ने नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस ने किया है। और इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ शब्दों में कहा है कि नासिर जुनेब की आवाज उठाने वाले पत्रकार को आपको गिरफ्तार नहीं करना है, आपको गिरफ्तार करना है मोनू माने सर को, जिस आतंकी ने बेदर्दी से शहीद नासिर जुनेब को जिंदा जला करके मार डाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस ट्वीट के बाद खलबली मच गई है, खासतौर पर राजस्थान पुलिस में। आपको बता दें कि पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह भड़के हैं। जुनेद नासिर हत्याकांड की कवरेज करने वाले एक पत्रकार की गिरफ्तारी की खबरों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। हैदराबाद सांसद ने कहा कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसका नाम वसीम है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, खबर आई है कि जुनेद नासिर की हत्या पर मुसलसल रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार वसीम अकरम मेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम की बदकिस्मती है कि उसका नाम वसीम है। वो कैम्ब्रिज जाकर सूट बूट पहनकर अभिव्यक्ति की आजादी पर ज्ञान नहीं दे सकते। असदुद्दीन ओवैसी का इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ था, जिन्होंने इसी हफ्ते 1 मार्च को ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत में अभिव्यक्ति को खतरे में बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था। पत्रकार की गिरफ्तारी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से कहा कि वसीम को नहीं मोनू को जेल भेजिए। डबल मर्डर में मोनू मानेसर के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस की भरतपुर पुलिस ने बताया कि वसीम अकरम मेव को वीआईपी घेरा तोड़ने के कारण गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पत्रकार की रिहाई की पुष्टि की है। भरतपुर पुलिस ने ओवैसी के ट्वीट के जवाब में लिखा, वसीम अकरम मेव और कामिल खान के खिलाफ धरने पर बैठने के संबंध में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन दोनों युवकों को मुख्यमंत्री महते राजस्थान सरकार के घाटमिका आगमन पर वीआईपी सुरक्षा घेरा तोड़ने के कारण गिरफ्तार किया गया एवं विधि अनुसार पाबंद करवाकर रिहा भी उन लोगों को कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो पत्रकार नासिर जुनेद के हक के लिए आवाजें बुलंद कर रहा है, उसी को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि हम तो वो तस्वीर भी लगातार देख रहे हैं जो हथियारों के समर्थन में महापंचायतें कर रहे हैं और हथियारों के समर्थन में आए स्टैंड विद मोनू मानेसर का ट्रेंड चला रहे हैं, खासतौर पर सुदर्शन न्यूज जैसे पत्रकार। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और जो इस माहौल की बिगड़ती हुई तस्वीर को देश के सामने या प्रदेश के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसकी तस्वीर लगातार सामने आई, जिस पर लोग लगातार लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के एक आबिद हुसैन ने लिखा, जुनेद नासिर हत्या पर मुसलसल रिपोर्टिंग करने वाले वसीम अकरम को आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया गया है?
राजस्थान पुलिस अब तक नासिर जुनेद के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन जुनेद नासिर के लिए इंसाफ की मांग करने वाले कामिल और वसीम अकरम मेव को भारतपुर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। घटमिका के लोगों का कहना है कि यह गिरफ्तारी कामा की कांग्रेस विधायक जाहिदा खान ने कराई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई क्योंकि जाहिदा खान के खिलाफ बीते 2-3 दिन पहले जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला था नासिर जुनेद के गांव में। तो वहीं इसको लेकर के अरबाज सौदागर लिखते हैं, आप तमाम तस्वीरों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं, पर वसीम अकरम मेव की गिरफ्तारी क्यों की गई है? बरिशा सदुद्दीन ओवैसी की बात को उन्होंने यहां कोट किया है। तो वहीं मोहम्मद सोहेल अली लिखते हैं, जुनेद नासिर की हत्या पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार वसीम अकरम मेव को गिरफ्तार करना काफी दुखदायक है। वसीम का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो सच दिखा रहे थे। अशोक गहलोत जी, वसीम को नहीं अपराधी मोनू मानेसर को जेल भेजिए। तो वहीं सोहेल ने भी यही कहा कि आप वसीम अकरम मेव की गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? आपको असल में हत्यारों को गिरफ्तार करना है और आपकी पुलिस को मुसलमानों ने नहीं, वसीम अकरम मेव ने नहीं, बल्कि महापंचायत करने वाले मोनू मानेसर के समर्थन में उन लोगों ने धमकी दी है, जहां साफ शब्दों में आपकी पुलिस के बारे में कहा गया कि मोनू मानेसर को अगर छुआ तो उनकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। इसी को लेकर के माहौल गर्म होता रहा। तो वहीं राजस्थान पुलिस अब तक नासिर जुनेद के हत्यारों को नहीं गिरफ्तार कर पाई है, जिसके बारे में तमाम लोग बोलते हुए दिखाई दिए। तो वहीं इस पर भरतपुर पुलिस ने बयान असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि वसीम अकरम मेव और कामिल खान के खिलाफ धरने पर बैठने के संबंध में पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की है। इन दोनों युवकों को मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के घाटमिका आगमन पर वीआईपी सुरक्षा घेरा तोड़ने के चलते गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो वहीं वसीम अकरम मेव और कामिल को लेकर के तमाम बातें पुलिस ने की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन लोगों को सुरक्षा घेरा तोड़ने के चलते गिरफ्तार किया गया, जिसको जवाब देना खासतौर पर भरतपुर पुलिस को भारी पड़ा, क्योंकि भरतपुर पुलिस ने ऐसा ही कर्तव्य उस दौरान निभाया जब नासिर जुनेद के परिवार वाले हक और इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गए। तो उन्हीं लोगों को नोटिस भेजने का काम भी खासतौर पर किया गया था। तो वहीं एक शख्स ने साफ तौर पर इन तस्वीरों के ऊपर ध्यान डाला और कहा कि भरतपुर के कामक से विधायक जाहिदा खान मंत्री के पति जलीस खान डीसीपी के सामने ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इसके संपादक इंजीनियर वसीम अकरम मेव को सवाल पूछने पर धमकाते हुए, क्या यही लोकतंत्र है? तो वहीं इस पर साफ तौर पर लोगों ने लिखा कि दी जस्ट आज के चीफ एडिटर वसीम अकरम मेव को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, कल 11 बजे उनकी जमानत हुई है, तहने से बाहर आते हुए उनकी तस्वीर को भी साझा किया गया है। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से एक पत्रकार वसीम अकरम मेव की आवाज को बुलंद किया, उसने भरतपुर पुलिस को हिला करके रख दिया, और ताबड़तोड़ जैसे ही भरतपुर पुलिस से सवाल होने लगे तो उसका जवाब भी उन्होंने देना शुरू कर दिया। हर एक तस्वीर भरतपुर से आती हुई आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।